ओम शांति। तो कल की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करते हैं। बाप दादा कहते हैं, योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है, लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसे है, हंस बगुले है, क्या करे, पुराने हिसाब किताब है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है, विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वह अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता? मिटा सकता है ना? कहे हाँ जी बाबा। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी वह अनुभव करेंगे। कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है। संगम युग तो मौजों का युग है ना, बोझ का नहीं है, रेदर बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने परिवर्तन की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना सभी के पास नॉलेज का, तो परिवर्तन कितना किया है ये नॉलेज के आईने में चेक करो, बाबा कहते हैं। मिला है ना सभी को आईना? कहें हाँ जी बाबा। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख, वहा वहा का गीत गाओ। वहा मेरी तकदीर, वहा मेरा बाबा, वहा मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है, नहीं, वहा मेरा परिवार, वहा मेरा भाग्य और वहा मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह। ये भी बोझ उतरता है, उतरता है ना ये बोझ वाह वाह करने से। कहे हाँ जी बाबा। जितना वाह वाह करेंगे ना उतना जल्दी बोझ हल्का होगा। बाबा कहते हैं, हाय मेरा पार्ट ऐसा नहीं, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं, आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी, हमें छोड़ना पड़ेगा। तो वाह वाह करते जाओ, तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसा होता है ना, किसकी महिमा करते हैं तो वाह वाह करते हैं। तो व्याधि को भी वाह वाह कहो, हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वो क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना, तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के ये तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। तो समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी, माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है।
इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना, एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए तो सर्व खजानों में भरपूर होना है ना। तो बाप दादा के सामने जो आप बैठे हैं, सिर्फ उन्हों को नहीं देख रहे हैं, जो भी बच्चे देश में हैं या विदेश में हैं, सभी को देख रहे हैं। सम्मुख नहीं है लेकिन बाबा के दिल में है। तो है ना, हम सभी बाबा के दिल में पूरा निश्चय है, कहे हाँ जी बाबा। आज आप सम्मुख हो, कल और होंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको बाप दादा नहीं देखते, वह दिल में है, आप सम्मुख हो। ऐसे नहीं आप दिल में नहीं हो, लेकिन सम्मुख हो उसका महत्व है, समझा। तो बाबा कैसे सभी को प्यार से खींच लेता है ना। बाबा कहते हैं अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है ना, तो जो भी हो रहा है, ब्रह्मा बाप की भी यही हर बात में यही शब्द याद था, नथिंग न्यू, होना ही है, हो रहा है। तो हम सभी कौन है, बेफिक्र बादशाह है ना, सभी बेफिक्र बादशाह दिल से कहे हाँ जी बाबा। तो कोई भी फिक्र नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती है, इसलिए हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन हिम्मतहीन का मददगार नहीं है। आप सोचेंगे कि बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है। हिम्मत बच्चे की, मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी। दिल शिकस्त न होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, सभी बेफिक्र बादशाह हो ना, है ना सभी बेफिक्र बादशाह। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं दूसरी बात कि साइलेंस की शक्ति को भी बढ़ाना है, साइंस पावर से भी साइलेंस की पावर बड़ी है ना। तो भी निश्चय, जितना निश्चय उतना खुशी बढ़ती जाती है, विशेष इस पर अटेंशन रखे, बेफिक्र बादशाह रहे, बाबा पर पूरा निश्चय रहे और खुशी में उड़ते रहे और उड़ाते रहे। कितना सहज कर देते हैं बाबा सब कुछ। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह 3:30 से 4:30 अमृत वेले, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और अव्यक्तवाणी पे रात्रि क्लास 9:15 बजे। ओम शांति।